व्यू व्लॉग का नहीं पहला व्लॉग है और चैलेंज का पहला व्लॉग है। तो जाग गए तो अभी करते हैं खाना पीना, तो फिर चलो रोज़ रखते हैं और फजर की नमाज पढ़ते हैं बाद जमात। नींद तो उठा ही आएगी लेकिन हम की तरह जागना तो पवेगा क्योंकि व्लॉगिंग भी करनी है और इबादत भी करनी है। तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और मैं आपको इंशाल्लाह दुआ में याद रखूँगा। A few inches later, ये किसका बच्चा है? ये किसका काका है? जिंदगी में पहली बार जल्दी जागो तो आपके यही हालात होते हैं। इन भी तक को काटन पा गया यार, यही दिन होते हैं रौनक ऐसा त्यार हो के थले बूट भी पा गए ने। हाँ जी, तो 11 का टाइम हो गया और जाग गया और अभी जा रहा हूँ दिलों को पे करने वाली बाइक की पतरी लगानी है। और बाइक मैंने कल बुलाया था तो वो वाली भी फ्लिपकार्ट वाली ऐड कर दूँ और चलते हैं देखते हैं घर की दो तीन काम और भी अभी भी करते हैं। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, हम लोग वगैरह पढ़ के आ गए हैं तो अभी ये अफ्तारी के लिए लाना था तो अब ये आज नहीं मना है, ये कल इन शाला तो खाएंगे। तो चले फिर आज की बाकी चिकन करते हैं खाना बनाना क्योंकि ये फिलहाल भी तो बनाना है ना बरदर। तो पहले कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ। कपड़े चेंज करने के बाद फिर मैं लाइट ऑन करें तो मेरा हो गया नहीं मेरा तू मांड करो। तो कपड़े वगैरह चेंज कर दो। कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद हलीम बनाते हैं। अम्मा मेरी पहनी हुई है ना आज के तो कैमरे चाह के था। ठीक है जी, हलीम बनाने के लिए पहले गोश्त काट लेंगे प्लेट में जाके वाह जी वाह। छुरी देखी नहीं जब बिना उठ डावा लगा वो नहीं है। दो बोटियां चलो जी, वो क्या मैं चिकन काट लिया है तो अभी ये खोलेंगे डब्बा हलीम वाला और पहले ऑयल गर्म कर लेंगे। ऑयल में फिर वो करेंगे गोश्त फ्राई, किचन फ्राई करेंगे और किचन फ्राई करने के बाद फिर अभी अम्मा को मैं कुछ ना रोक मुझे माँ को बनाने का शेरा गोश्त पा दिए। और बाकी मैंने कहा दुआ ही करनी भी अल्लाह खैर करे भी मैं त्री त्री ब्लाग बना के ना अज ने तो बढ़ना पा होना गोवा तको की बढ़ना शताने ने कान डोरे टिके रहा शेरा ऐ शेरा मां कोई पता नहीं कहीं बढ़नी मैं तो कुछ यार मां तरतीब दी आने लाइक करो ते ब्लाग अगर अच्छा लगे ना तो कमेंट मार दो ते अगर
अच्छा लगा दे रेड बटन नहीं दबाया दबा थी फिर वो लगा चिकन फ्राई हो गया। चिकन फ्राई करने के बाद ये वो जो पैकेट है ये डब्बे में जो हिसाब रो निकला है ये ये वाला पैकेट छोटे वाला बड़े वाला नहीं बड़े वाला ये तो ये चमचों के बैग है मैं जो कितने चमचे वो ऊपर लिखे रहा है आपने जो भी लगा तो ये बीच में डाल देंगे। और अच्छी तरह हला लेंगे बिस्मिल्लाह से मैं पड़ी कौन बिस्मिल्लाह अब अल्लाह का बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये अच्छी वो बीच में हल हो गया तो अभी पानी डाल रहे हैं पानी ये छोटे जो चाय वाले कप नहीं होते ये 15 कप डाल रहे हैं। ये जी वो गोश्त को हमने बीच में फिर वो डाला था ना कोई चूरन जी जड़ी थी डब्बे में तो वो डालने के बाद फिर हमने 15 कप पानी के डाले हैं। पानी के डालने के बाद ये अभी डान बन गई है तो वे चाक डबू के मारो तो अभी हम 15 मिनट के लिए रख देंगे जब तक बॉयल नहीं आता। बॉयल आने के बाद फिर अगला प्रोसीजर आपको दिखाते हैं व्हाट नथिंग मैडी इंग्लिश गई। अभी 15 मिनट कान रख लेंगे तो फिर खोलते हैं 15 मिनट के बाद फिर देखते हैं अभी आगे क्या करना है। 15 मिनट बॉयल आ गया। बॉयल आने के बाद जो बीच में चिकन डाला है वो निकाल लेना बाहर वो है गोश्त निकालने के बाद अभी ये फेंट लेंगे क्योंकि अगर आज की फेंट है तो वो गलोलियाँ गलोलियाँ बन जाएगी मेरी मैंडी भी उड़ दी है भुजिया ने तो शेफ जी मुझे इशारा कर दीजिएगा अभी ये कितने डालना है। तो ये अभी मशीन चला लेंगे अभी शेफ ने मुझे लात मार के बताया कि रोको। तो वो थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है वो मिला दिया और बाकी जो बचा था वो बीच में डाल दिया और ये भी ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंड तो नहीं कर लेंगे हला लेंगे। अब की बार पता नहीं शेफ ने मुझे लात क्यों नहीं मारी। तो ये बाकी गोश्त के भी रेशे बना लेंगे और रेशे बनाने के बाद फिर उधर बीच में बना देंगे तो अभी मैं बाकी भी रेशे बनाता हूँ और फिर आपको मैं रेशे बना के मिलता हूँ। ये गोश्त हमने रेशे रेशे कर लिया है इधर चेक कराओ जी कैमरा जी। तो रेशे रेशे करने के बाद अभी ये प्याज काट लेंगे वो क्या नाम है तड़के लगाने के लिए ये काट लेंगे। ये जी शेफ के कहने पर शेफ जी थोड़े ज़्यादा हो ना पिछो तो ये गोश्त बीच में डाल देंगे। तो अभी ये पकाना है जब तक ये बहुत गाढ़ी नहीं होती क्योंकि अभी जब गाढ़ी होगी तो तब यही पकेगी। ये तकरीबन 3-4 घंटे ले जाएगी 2-3 है तो ये तकरीबन आधा घंटा लेगी पकने में। तो डब्बा लाने का यही फ़ायदा होता है कि जल्दी पक जाती है क्योंकि जो बाकी होती है ना वो जो बाकी होती है वो काफ़ी टाइम लगाती है। तो ये पकाने के लिए और अभी हम प्याज काटें हलीम तो बनती रहेगी लेकिन अफ्तारी की भी तैयारी करनी है और अगर अफ्तारी में पकौड़े ना हो और आलू वाले पकौड़े ना होता है अफ्तारी नामुमकिन नामुकम्मल होती है हाँ वही होती है। तो ये अभी आलू वाले पकौड़ों के लिए आलू काट लेंगे। ये जी पकौड़ों के लिए बन गए हैं आलू काट गए और ये जो आलू हैं इन आलू को बना लेंगे फ्रेंच फ्राई। ये जी आलू अच्छी तरह काट लिए और अभी आलू को धो लेंगे। धोने के बाद फिर मैदा लगाएंगे। मैदा लगाने के बाद नमक थोड़ा लगाएंगे। नमक लगाने के बाद फिर इनको 5 मिनट के लिए रख देंगे
और फिर इनको कर लेंगे फ्राई। ये मैंने आलू धो लिए थे और इनमें अभी बर्फ़ और ठंडा पानी डाल के रख दिया ताकि ये जो जब फ्राई करें ना तो इनमें ढीलापन ना आए, ये अच्छी तरह फ्राई हो। और अभी ये इधर बाकी जो पकौड़े हैं वो प्याज टमाटर आलू प्याज वाले वो बनाएंगे। ये पालक काट लिया और अभी यहाँ पर आलू काट लिया। शिकार छोड़ो मैदा ऐड किया था, मैदे के बाद कॉर्नफ्लोर ऐड किया, कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद अभी इनको अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे, मैरिनेशन इनकी करेंगे। मैरिनेशन करने के बाद तो इनमें थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे, नमक ऐड करने के बाद इनको ऐवे ही रख देंगे। फिर जब इनको फ्राई करना होगा ये फ्राई हो जाएंगे और ये बिल्कुल लकड़ गम पत्थर गम हो जाएंगे। और इधर दूसरी तरफ ये हो गई है, हलीम भी अभी तैयार हो गई है, बहुत गाढ़ी नहीं करनी, फिर जब ये ठंडी होती है तो बहुत ही फिर गाढ़ी हो जाती है। तो ये अभी परफेक्ट अपने पोजीशन पे, तो तड़का लगाएंगे फिर जब हम खाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर ही ब्लॉग मेरे ख्याल में एंड ही कर दूँ क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो गया, अगर एंड ना भी किया तो एंड पे आपको अफ्तारी टाइम दिखा दूँगा और फिर अपलोड कर दूँगा। इंशाल्लाह 8 बजे अपलोड हो जाएगा और अगले ब्लॉग भी 8 बजे लाइव हुआ करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, मुझे भी दुआ में याद रखें। फिर हमारे ला।